सभी मित्रों को जय सियाराम। मित्रों, आज हम मिथुन राशि के जात को आने वाले नए साल 2020 की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे, तो आइए अब बात करते हैं। मिथुन राशिफल 2020 के अनुसार साल 2020 के लिए आपके सितारों की चाल यह कहती है कि यह साल आपके लिए सौगातों से भरा तो रहेगा, साथ ही आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और इन चुनौतियों से पार पाने के बाद ही आपको विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस वार्षिक राशिफल में हम आपके करियर, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, फैमिली और लव लाइफ तथा सेहत के बारे में विस्तार से जानेंगे। भविष्यफल 2020 की मदद से आप न केवल अवसरों को भुना पाने में सफल होंगे, बल्कि चुनौतियों और बाधाओं से निपटने के लिए इसमें दिए गए उपाय को अपनाकर आप सफलता के मार्ग पर निर्बाध गति से आगे बढ़ेंगे। आइए अब मिथुन राशिफल 2020 को पढ़ते हैं विस्तार से। करियर, इस वर्ष आपका करियर सामान्य गति से चलता रहेगा, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आप अपने करियर की गति को सामान्य से तीव्र कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो इस वर्ष जनवरी में शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में होगा, लिहाजा इस दौरान आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु बृहस्पति का सातवें भाव में गोचर आपको बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छे परिणाम दिलाएगा। जुलाई से मध्य नवंबर तक परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जनवरी से मार्च तक और नवंबर मध्य से दिसंबर तक का समय ज्यादा अच्छा नहीं है, इस दौरान आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आप किसी नए वेंचर या स्टार्टअप को शुरू न करें। ध्यान रहे, मुश्किल समय में अनुभवी लोगों की सलाह से आपका बेड़ा पार होगा। अप्रैल, मई और जून के समय थोड़ा सावधान रहे। करियर में सफलता का मंत्र आपके लिए यही है कि आपको अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। आर्थिक जीवन, व्यक्ति की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वर्षफल 2020 यह कहता है कि आप इस वर्ष आपको धन के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दरअसल धन का कारक ग्रह बृहस्पति अप्रैल से जुलाई के मध्य आपके अष्टम भाव में स्थित रहेगा, जिस कारण कुछ आर्थिक निर्णयों में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साल की शुरुआत आर्थिक जीवन के लिए बेहतर है। जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने की संभावना दिखाई देती है। वहीं मई में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही दिसंबर भी धन के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन, इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। घर में परिजनों के बीच बेहतर तालमेल और प्रेम भाव देखने को मिलेगा। आपकी सफलता में परिजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अप्रैल से जुलाई के मध्य बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा, जहां पर पहले ही शनि महाराज स्थित हैं। इस कारण एक तरफ तो परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ धन को लेकर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जुलाई तक पारिवारिक माहौल काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई के बाद परिवार में तनाव क्लेश पैदा हो सकता है। अप्रैल, अगस्त और नवंबर महीनों के दौरान अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वर्ष सितंबर माह में आप नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर में नव निर्माण करा सकते हैं। मध्य मार्च से मई के बीच आप अचानक से किसी प्रकार की अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन एवं संतान, साल 2020 में मिथुन राशि का वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आपको अपनी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष के आरंभ में आपके सप्तम भाव में पांच ग्रहों की युति वैवाहिक जीवन में कष्टों और परेशानियों को पैदा कर सकती है। जीवन साथी की सेहत गिर सकती है। वहीं अप्रैल से जुलाई और उसके बाद नवंबर से दिसंबर अंत तक का समय भी ठीक नहीं है, लिहाजा आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। जुलाई से नवंबर तक का समय कुछ हद तक अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप जीवन साथी के साथ जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है तो अगस्त से अक्टूबर महीने में उन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी संतान की बात करें तो वर्ष की शुरुआत संतान के लिए बेहद अनुकूल है। वे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि विकसित करेंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अप्रैल से जुलाई तक का समय संतान के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लिहाजा उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। हालांकि सितंबर के बाद उनके लिए बेहतरीन समय प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम जीवन, इस वर्ष आपका प्रेम जीवन ताजा कली के समान खिलता दिखाई देगा। प्रियतम के साथ आप आनंद लेंगे, मिलन के कई अवसर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको मर्यादित रहकर प्रेम की गंगा में डुबकी लगानी होगी, अन्यथा आप दोनों के दामन पर बदनामी का दाग लग सकता है। जनवरी से मई के मध्य तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद अनुकूल रह सकता है। इस दौरान प्यार में मधुरता का स्वाद भूलेगा और प्यार का रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक आप प्यार के लिए कम समय निकाल पाएंगे। प्रियतम आपसे इस बात की शिकायत भी कर सकता है, इसलिए काम के साथ साथ अपने पार्टनर के लिए भी समय निकाले। यदि आप प्रियतम से शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इस वर्ष अगस्त और दिसंबर का महीना शुभ रहेगा। रिश्ते में प्यार और विश्वास की डोर मजबूत होनी चाहिए।
लिहाजा प्यार की यह डोर टूट न पाए इसका ख्याल रखें। स्वास्थ्य राशिफल 2020 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता होगी। वर्ष की शुरुआत में आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, लेकिन अप्रैल और जुलाई में सेहत बिगड़ सकती है। शनि के प्रभाव से आपको शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। इसके अलावा शनि के प्रभाव से ही आपके पिताजी की सेहत भी बिगड़ सकती है। आपको बासी गरिष्ठ और असंतुलित भोजन नहीं करना चाहिए। कार्य अधिक करने से आपको शारीरिक थकान महसूस होगी। इसके अलावा इस वर्ष आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, अपच, बदहजमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जुलाई के बाद से मध्य नवंबर तक का समय आपकी सेहत के लिए अनुकूल रहेगा। मौसम परिवर्तन के समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खुद को फिट रखने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन न करें और शाकाहारी भोजन को अधिक प्राथमिकता दें। आलस्य को त्याग कर शारीरिक योग व्यायाम करें। इससे आप शारीरिक रूप से तो सेहतमंद रहेंगे ही साथ मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मिथुन राशि के छात्रों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन में सफलता पाने के लिए आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखने होंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको निरंतर कड़ी मेहनत करने की आवश्यक होगी। जो लोग प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष काफी बेहतर रहेगा। वर्ष की शुरुआत छात्रों के लिए बेहतर रहेगी। मार्च के बाद आपको अनेकों चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन नवंबर से दिसंबर तक का समय काफी अच्छा जाएगा। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ें या फिर महान व्यक्तियों की जीवनी को पढ़ें। इससे आपके ज्ञान का दायरा बढ़ेगा और यह ज्ञान आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। मन को एकाग्र करने के लिए आप ध्यान क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा माँ सरस्वती का ध्यान करने से भी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। वर्ष 2020 में किए जाने वाला विशेष ज्योतिषीय उपाय। किसी धार्मिक स्थल की साफ सफाई करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार तथा शनिवार को पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करें। संभव हो तो पीपल वृक्ष भी लगाएं। दान पुण्य के कार्य करें। ऊपर दिए गए उपाय आपकी अनेकों समस्याओं को दूर करेंगे और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपके लिए साल 2020 नई उम्मीदों और खुशियों से भरा हो।